जयपुर में बुधवार को हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने पुलिस चौकी के अंदर सुसाइड कर लिया। उनके पास से मिले सुसाइड नोट में तीन पुलिस अधिकारियों और एक पत्रकार का नाम सामने आया है, जिन्हें बाबूलाल ने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने तीन FIR की जांच CBI से कराने की मांग की है, जिससे कई राज खुलने की संभावना जताई गई है। इस घटना के बाद से परिजन और सामाजिक संगठन न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा करात ने भी इस धरने में शामिल होकर परिजनों से मुलाकात की। मृतक बाबूलाल के बेटे तनुज ने दोषियों को सख्त सजा दिलाने की अपील की है। आपको बता दें कि कल एक पुलिसकर्मी बाबूलाल जी ने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड के बाद मैं करीब 6 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा है, उसमें कई लोगों के नाम लिखे गए हैं। आज SMS के मुर्दा घर पे आज इनका परिवारजन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आप उनके बेटे लगते हैं, क्या पूरा मामला था बताएंगे? सस्पेंड के मामले में टेंशन थी पापा को, फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, बिना गलती के सस्पेंड किए थे, इसकी टेंशन थी। दबाव डाल रहे थे कि जो गलती उन्होंने नहीं की कि वो उसका एक्सेप्ट करे, ये दबाव डाल रहे थे, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। पुलिस प्रशासन का भी दबाव था क्या उनके ऊपर? पुलिस प्रशासन का तो नहीं, 2-3 लोगों का था कि जो उन्होंने गलती नहीं की उनको वो एक्सेप्ट कर ले कि मैंने, हाँ मैंने ये की है, ये किए उन्होंने। जिन लोगों के उन्होंने नाम लिखे हैं, जिन 4 लोगों के, उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा? उनको मैं चाहता हूँ वो 4 लोग अरेस्ट हो जाए, बस और कुछ नहीं, वो 4 लोग अरेस्ट किए। तनुज गोठवाल। आपको बता दें कि वृंदा करात जी भी यहां पर मौजूद है। मैम, आज बाबूलाल जी के न्याय के लिए आप यहां पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, न्याय के लिए आए हैं। अब जो इतनी मजबूरी में आत्महत्या करते और एक सुसाइड नोट भी लिखते हैं, जिसके विशेष नाम लेते हैं कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार का पूरा नेक्सस है उसका पर्दाफाश करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया और उसकी आवाज़ दबाने के लिए, मैं समझती हूँ ये आत्महत्या नहीं, ये एक प्रकार का सामाजिक हत्या है, ये ढांचागत हत्या है। कोई भी दलित कांस्टेबल कितने मुश्किल से, कितने कुर्बानियों के बाद नौकरी मिलती है और फिर वो अपनी जीवन लेते हैं, कितनी मजबूरी होगी, कितनी परेशानी और पीड़ा होगा। इसलिए मैं इसको एक सामाजिक हत्या के रूप में देखती हूँ। हम लोग आए हैं, जो उनके परिवारजन हैं, जो यहाँ के साथी लोग हैं, वो न्याय की संघर्ष कर रहे हैं। FIR दर्ज करो, दोषी पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार करो, परिवार को कम से कम जो है एक मुआवजा का उन्होंने बताया है, वो सब के साथ हम हैं। 4 लोगों के नाम भी लिए हैं, उसमें से 2 उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग हैं। डिपार्टमेंट के लोग होंगे, ऑफिसर होंगे, वो सभी, क्यों कोई आत्महत्या करता है? वो भ्रष्टाचार का एक नेक्सस जो चल रहा है उसका उन्होंने विरोध किया और इसीलिए ये हालात बने। यहाँ से क्या आप मांग कर रहे हैं? नहीं, मांग अभी डेलीगेशन जा रहे हैं FIR दर्ज करने के लिए, उसके हम साथ हैं। ये थे वृंदा करात जी और बाबूलाल जी, जिनकी एक दुखद कल उन्होंने आत्महत्या कर ली। 6 पेज का एक सुसाइड नोट उन्होंने लिख के दिया है। उनके परिवार जन के साथ में वृंदा करात जी भी यहाँ पर आई हैं, बाबूलाल जी के लिए न्याय की मांग कर रही है, और एक डेलीगेशन एक यहाँ से जा रहा है FIR दर्ज कराने और प्रॉपर उन्हें न्याय मिले, परिवार को नौकरी मिले। और भी कई मांगे परिवार की हैं, जिन जो उन तमाम मांगों के साथ में एक डेलीगेशन वृंदा करात जी के नेतृत्व में यहाँ से जा रहा है, ताकि मृतक बाबूलाल को, उनके परिवारजन को न्याय मिल सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।